हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो HTML को लेकर के बना रहा हूँ। प्योर HTML में सबमिट बटन, हालांकि मैंने पहले भी बताया है लेकिन ये ब्रैकेट टेक्स्ट एडिटर पे मैं बना करके दिखा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको चीजें अच्छी लगेंगी। तो यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करिएगा HTML से। जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो HTML से स्टार्ट करते हैं। सबमिट बटन हमें बनाना है, यहाँ पर आप हेड पोर्शन लिख देंगे, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज टाइटल पे आ जाइएगा। टाइटल इस तरीके से लिखिएगा और यहाँ पर टाइटल टैग का हमें यूज करना है। तो टाइटल टैग क्या दे देते हैं, क्रिएटिंग सबमिट बटन, क्रिएटिंग सबमिट एंड रीसेट बटन। तो ये लिखा क्रिएटिंग सबमिट एंड रीसेट बटन, तो इस तरीके से लिख दीजिएगा रीसेट। ओके, तो सबमिट एंड रीसेट बटन, रीसेट लिखना है हमें, तो ये आ गया है, इसको हटा देते हैं। सबमिट एंड रीसेट बटन लिख देता हूं, तो ये लिख दिया सबमिट एंड रीसेट बटन। और उसके बाद से क्या करना है, हेड को क्लोज करना है, फिर आना यहां पर, यहां पर हमें चीजें करनी है। यहां पर बॉडी टैग को ओपन करना है, तो यहां पे कर लेते हैं ना बॉडी टैग को ओपन। तो ये ओपन कर लिया बॉडी टैग को, और अब यहां पे फॉर्म बना लेते हैं। तो FORM फॉर्म बनाया हमने, और यहां से क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, हम रीसेट बटन भी बना लेंगे और इसके साथ साथ क्या बना लेंगे, सबमिट बटन भी बना लेंगे। तो बहुत इजी है, यहां पर आए एंटर करके। अब यहां पर दे देते हैं इनपुट टाइप, इनपुट टाइप टैग लगाएंगे, तो ये लिखा इनपुट और फिर लिखेंगे टाइप, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, पहले बनाना है सबमिट का बटन, तो यहां लिख देंगे SUBMIT सबमिट, इस तरीके से। तो सबमिट लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे नेम देना है, तो नेम इज इक्वल टू, नेम में भी हम क्या करेंगे सबमिट ही दे देंगे, तो ये लिखा सबमिट नेम में भी इस तरीके से। और फिर यहाँ पे वैल्यू में भी हमें क्या देना है, सबमिट ही देना है, तो यहाँ पे वैल्यू में भी दे देते हैं सबमिट, कुछ इस तरीके से आपको भी दे देना है और इसको क्लोज कर देना, बस आपका सबमिट बटन इससे बन जाएगा जरूर। और यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे आप रीसेट बटन की कोडिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपको देना है इनपुट टाइप, तो ये लिखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू। ठीक है, अब क्या देना है, यहाँ पे रीसेट बटन बनाना है, तो यहाँ पे दीजिएगा रीसेट RESET। ठीक है, RESET रिजल्ट लिख दिया। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे नेम दे देते हैं, तो नेम में क्या देंगे, तो नेम इज इक्वल टू, हमने क्या दे दिया, नेम इज इक्वल टू रीसेट दे देंगे, क्या देंगे, नेम इज इक्वल टू रीसेट, तो डबल डॉट कॉमा में रीसेट दे दिया, RESET रीसेट हो गया। इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पर एक चीज और देंगे वैल्यू, वैल्यू छूट रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए, वैल्यू इज इक्वल टू रीसेट, सब में रीसेट डाल दीजिए और ये काम आपका हो जाएगा बहुत आसानी से। यहाँ पर भी रीसेट डाल दिया, ये कैपिटल कर देता हूँ, वैसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एंटर करके नीचे आइएगा, जैसे नीचे आएंगे तो अब सारी चीजों को क्लोज करना है, ऑलरेडी क्लोज पड़ा हुआ है क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ ब्रैकेट टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूंगा, इसको यहाँ से सेव करूंगा, प्रोग्राम को सेव कर लिया, सेव करने के बाद यहाँ से इसको चला दूंगा, तो चलाऊंगा तो आप देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है, ये देख सकते हैं, देख लीजिए ये सबमिट बटन बन गया और ये रीसेट बटन बन गया, दोनों ही बटन हमने क्रिएट करा लिया बहुत आसानी के साथ। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी।